Nation. We'll be live. Wanda, welcome home. Vision Residence. हेलो गाइस, वेलकम टू द फाइव एंटरटेनमेंट। माय नेम इज डीएन ओजा और आज हम बात करेंगे न्यू ट्रेलर वांडा और विजन के बारे में, जो काफी कंफ्यूजिंग वाला है। सीरियसली काफी कंफ्यूजिंग। We are an unusual couple, you know. Oh, I don't think that was ever in question. लास्ट में हमने वांडा और विजन को एक दूसरे को गुड बाय कहते हुए देखा था एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर में, लेकिन ट्रेलर के ओपनिंग सीन में दिखाया गया कि दे बोथ आर न्यू मैरिड कपल। विजन वापस, हाउ? वांडा के पास लोगों के माइंड से खेलने का पावर है जो उसे माइंड स्टोन से मिला है, और आई थिंक यही पावर यूज करके उसने एक अल्टर रियलिटी को क्रिएट किया और विजन के साथ मैरिज करके 50s में रह रही है, जो एक ब्लैक एंड व्हाइट शो की तरह है। लेकिन जब कोई वांडा को क्वेश्चन करता है या फिर वो काफी कंफ्यूजन में आ जाती है, तो वो सीन चेंज करके दूसरी सदी में चली जाती है और विजन को वहां लाकर उसके साथ रहने लगती है। This is our home now. I want us to fit in. Oh, this is gonna be a gas. Where did you two move from? How long have you been married and why don't you have children yet? Our story. I think what my wife means to say is that we moved from where? Married when? Damn it, why? Oh, Arthur, stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Marvel का I think ये first trailer है जिसमें काफी भारी भरकम VFX नहीं है या फिर ना ही कोई action scene है। ये तो दूसरा trailer आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये first trailer ऐसा है जिसमें 50s से लेकर 2020 तक की lifestyle दिखाई गई है। और अगर आप notice करें तो इसमें Marvel का logo भी 50s के show की तरह black and white दिखाया है। मार्वल के प्रेसिडेंट मिस्टर केविन फेगी ने कंफर्म किया है कि वांडा और विजन की स्टोरी अपकमिंग मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 2 में कनेक्टेड रहे, जो है मल्टीवर्स के रिगार्डिंग, और उमर्स के हिसाब से ये मूवी एक हॉरर मूवी रहेगी। चलता है क्योंकि इसमें स्कारलेट विच अवेलेबल है। I always know when the game is on. You know why? Why? Because I love it. Please guys, don't be confused. विजन का जो चैप्टर है वो थानोस ने खत्म कर दिया था एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर में। ये जो विजन है वो एक अल्टर रियलिटी में क्रिएट किया हुआ है वांडा के द्वारा, जो एक्सीडेंटली अल्टर रियलिटी से बाहर भी आ जाता है। कैथरीन हैंग को देखिए, वो इस ट्रेलर में काफी अलग अलग रोल प्ले करती हुई नजर आ रही है। कैथरीन हैंग एक मैजिशियन है जो वांडा के इस अल्टर रियलिटी के बारे में जानती है। वो विजन को जब रियलिटी में देखती है वो खुद कंफ्यूज हो जाती है। एक और कैरेक्टर है जो वांडा के अल्टर रियलिटी से बाहर आती हुई नजर आ रही है, जिसका नाम है मोनिका रैम्बो। वो कैप्टन मार्वल के बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। कॉमिक के हिसाब से ये फोटो नाम की सुपर हीरो बनी थी, लेकिन ये इस सीजन में क्या करी है? क्योंकि कॉमिक के हिसाब से मोनिका रैम्बो का वांडा के साथ कोई कनेक्शन नहीं। ट्रेलर के रिलीज होने से तो मैं काफी खुश था कि ब्लैक वीडियो के डिले होने के बाद कुछ तो है मार्वल जो रिलीज कर रहा है, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद मैं उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन में चला गया। मार्वल अब अगले फेज में मल्टीवर्स दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि भले ही डीसी की मूवीज इसमें फ्लॉप रही हो, लेकिन मल्टीवर्स के बारे में डीसी काफी बेटर है। Here. Oh, you're talking about the character, not the actor playing him. Okay guys, if you like my video, please like, share and subscribe to the Five Entertainment. I'll back with another video. Stay safe. The revolution will be live.